हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो टुडे वी गोना रीड अबाउट द फीचर्स एंड एडवांटेजेस ऑफ एमएस वर्ड. सो एमएस वर्ड जो हमारे पास काम में आता है, वो हमारे पास एडिटिंग करता है डॉक्यूमेंट्स की. हम उसमें सेव कर सकते हैं, हम डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं इस डॉक्यूमेंट्स में. जैसे कि आपके लेटर्स आ गए, नोटिसज़ आ गए, या आपके मेमोज़ आ गए, ये सब हम एमएस वर्ड में टाइप कर सकते हैं. एमएस वर्ड में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो टाइपराइटर या ओल्ड सॉफ्टवेयर में अवेलेबल नहीं रहते थे. इन फीचर्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पहला फीचर आता है ईजी टाइपिंग. एमएस वर्ड में इजी टाइपिंग का मतलब है कि जब भी आप टाइप करते हैं एमएस वर्ड में, तो आपको नई लाइन में जाने के लिए एंटर की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप एंड ऑफ द लाइन में पहुंचेंगे तो और आप टाइप करते जा रहे हो, तो आपका वर्ड जो है वो आपकी लाइन को नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली ले जाता है. बिकॉज इस फीचर को हम वर्ड रैपिंग कहते हैं. इसको हम लाइव देखते हैं कि हमारे पास एक लेटर सपोज एक हमारे पास यहाँ पे एम एस वर्ड में, लेट अस सपोज मैं टाइप कर रहा हूँ कोई लाइन. मैं रैंडमली एक लाइन टाइप करता हूँ, रैंडम वन पैरा एंड वन लाइन. सो आई एम जस्ट टाइपिंग इट. सो लेट अस सपोज मैं इसके एंड ऑफ द लाइन में जाके मैं अभी भी टाइप करता जा रहा हूँ, दिस इज़ अ लाइन विच हैज़ नो एंड बट कैन मूव. यू कैन सी जैसे मैं एंड ऑफ द लाइन में पहुंचा, तो ऊपर रूलर बार आपका रहता है. रूलर बार में हमारे पास स्पेस जो है वो डिफाइंड है कि यहाँ पे आपका एंड ऑफ द लाइन, एंड ऑफ द पैराग्राफ होना चाहिए. तो जैसे मैं यहाँ पे पहुंचा, तो मेरे जो लाइन है वो अपने आप ही नेक्स्ट में मूव कर गई, मुझे एंटर की प्रेस नहीं करना पड़ा. देर इज़ नो लिमिट फॉर टाइपिंग द मैटर इन वर्ड प्रोसेसिंग. यू कैन टाइप द मैटर कॉन्टिन्यूसली विदाउट रीसॉर्टिंग टू न्यू पेज और फाइल. हम जब भी एमएस वर्ड में टाइप कर रहे होते हैं, तो अगर एक मेरा पेज फिल हो गया है, तो मैं टाइप करते करते अपने आप ही नेक्स्ट पेज में मूव कर जाऊंगा. मुझे बार बार पेज को रीटाइप नहीं करना पड़ेगा. द नेक्स्ट वन इज़ ईजी. द डॉक्यूमेंट सो टाइप्ड कैन बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज़. मैं यानी कि इसमें हम डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, ताकि हम मुझे अगर काफ़ी दिनों बाद भी अपना डॉक्यूमेंट दोबारा ओपन करना है, तो मैं उसको दोबारा भी ओपन कर सकता हूँ और उस डॉक्यूमेंट में चेंजेस कर सकता हूँ. तो दैट मीन्स यू कैन सेव डॉक्यूमेंट्स. इफ़ आई प्रेस कंट्रोल एस, और आप फाइल मेन्यू में भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा सेव ऑप्शन, या ऊपर आपके पास सेव ऑप्शन रहता है, या आप सिंपली कंट्रोल एस प्रेस करेंगे. लेट अस सपोज मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ एग्जांपल एंड ओके. सो अगर हम अपने डेस्कटॉप पे चेक करेंगे, तो यू कैन सी एन एग्जांपल डॉक्यूमेंट हेयर. और वर्ड को अगर मैं बंद भी कर दूंगा और दोबारा एग्जाम्पल चलाऊँगा, तो मेरा डॉक्यूमेंट वहीं से लास्ट टाइम ओपन होगा, वहीं से ओपन होगा जहाँ लास्ट टाइम मैंने सेव किया था. ओके, सो दिस इज़ द ईजिएस्ट वे टू सेव योर डॉक्यूमेंट्स फॉर द फ्यूचर पर्पजेज. द नेक्स्ट वन इज़ एडिंग, रिमूविंग एंड कॉपिंग टेक्स्ट. अब आप अपने वर्ड में बहुत ईजिली अपने डाटा को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को. उसके लिए आपको सारा मैटर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे पावरफुल लिखा है, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ. आई सिंपली प्रेस डिलीट की, और आइदर आई कैन सिंपली टाइप ओवर इट. मैंने उसको सिलेक्ट किया है, डबल क्लिक से सिलेक्ट किया गया. पिछले वीडियो में मैंने बताया था सिलेक्शन कैसे करते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ स्पेल चेक ऑफ वर्ड्स. स्पेल चेक ऑफ वर्ड्स का मतलब है कि अगर आपके वर्ड में कोई आप स्पेलिंग मिस्टेक्स कर देते हैं, तो वर्ड आपको उसको नोटिफाई करता है थ्रू वेरियस थिंग्स. लाइक लेट अस सपोज मैं यहाँ पे स्पेस एक्स्ट्रा दे देता हूँ और मैं अपने वर्ड में आगे मूव कर जाता हूँ. मैंने मूव के बाद स्पेस दिया और फिर फुल स्टॉप लगाया, तो मैं जैसे राइट क्लिक करूँगा, सो वो कह रहा है कि मूव के साथ फुल स्टॉप होना चाहिए, दिस इज़ अ डॉक्यूमेंट मिस्टेक. और एग्जांपल हो सकते हैं, लेट अस सपोज पावरफुल में मैं ओ मिस कर गया, तो यू कैन सी ए ग्रीन रेडिश टाइप ऑफ वेवी लाइन. सो इफ आई राइट क्लिक ऑन दिस, सो आई गेट दिस स्पेलिंग चेक इश्यूज़, कि आप स्पेलिंग चेक भी कर सकते हैं, वहाँ पे स्पेल चेक किया जा सकता है. द नेक्स्ट वन इज़ चेंज द स्टाइल एंड शेप ऑफ करेक्टर्स एंड पैराग्राफ्स. अब आप अपने जितने भी टेक्स्ट इसके अंदर लिखे हैं, आप उसको और ज़्यादा अपीलिंग बनाने के लिए, ताकि यूज़र्स को वो बहुत ईजिली पढ़ा जाए. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे अलाइनमेंट देखोगे, थोड़ा इटैलिक लिखा गया है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स को और ज़्यादा अरेंज कर सकते हो, सो दैट जो यूज़र है वो बहुत ईजिली आपके डॉक्यूमेंट्स को रीड कर पाए. इसमें हम क्या कर सकते हैं, वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करता हूँ. जैसे हमारे पास एक पैराग्राफ है, राइट, लेट अस सपोज मैंने ये टेक्स्ट लिखा है और इसमें मैं किसी चीज़ को यूज़र को बहुत बोल्ड वे से समझाना चाहता हूँ. फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा बोल्ड एंड इटैलिक कर देता हूँ, थोड़ा इसका साइज़ भी बढ़ा सकता हूँ, ताकि यूज़र को और क्लैरिफाई हो कि ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंग है. इसी तरह अगर आपने बहुत बड़े पैराग्राफ्स लिखे हैं, लेट अस सपोज हमने 3 पैराग्राफ्स टाइप किए हैं, और मैं इनमें स्पेस बढ़ाना चाहता हूँ लाइंस के अंदर, तो हम यहाँ पे लाइन स्पेसिंग भी कर सकते हैं, कितनी ज़्यादा लाइन स्पेसिंग चाहिए. इवन दो मैं पैराग्राफ्स का भी रिमूव कर सकता हूँ स्पेस की मुझे नहीं चाहिए, या ये मुझे और स्पेस चाहिए, सो आई कैन ऐड स्पेस. आई कैन रिमूव द स्पेस एंड बिफोर एंड आफ्टर द पैराग्राफ्स ऑल्सो.
ठीक है, तो आप अपनी लाइन स्पेसिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं, इवन दो यू कैन अलाइन योर पैराग्राफ्स। फॉर एग्जांपल, अब इस पैरा को अगर हम ध्यान से देखें तो ये पैरा का जो एंड है वो थोड़ा डिस्टॉर्टेड है, बराबर एंड नहीं हुआ है, और लेफ्ट जो है वो एक जगह एंड हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट का मतलब होगा जब राइट साइड मैच करेगा बट लेफ्ट डिस्टॉर्ट हो जाएगा। सेंटर अलाइनमेंट जब लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से अलाइन नहीं है लेकिन सेंटरली वो अलाइंड है। तो एक हमारे पास रहता है जस्टिफाइड। जस्टिफाइड में हम क्या कर सकते हैं, सारी तरफ से इसको अलाइन कर सकते हैं। तो जस्टिफाई में हमारे पास क्या होगा कि हम सब तरफ से इसको अलाइनमेंट की। अच्छा, तो इसके बाद हमारे पास जो फीचर आता है दैट इज़ कॉल्ड स्पेल चेक ऑफ वर्ड्स, जो हमने अभी डिस्कस भी किया, स्टाइल एंड पैराग्राफ्स भी कर लिया। नेक्स्ट इज़ बुलेट एंड नंबरिंग। बुलेट एंड नंबरिंग में आप अपने, अगर आप कोई लिस्ट टाइप कर रहे हैं वहाँ पे, तो आप उसको बुलेट्स भी दे सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को, या नंबर्स भी दिए जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम यहाँ पर कोई लिस्ट टाइप कर रहे हैं लिस्ट, और मैं उस लिस्ट में टाइप कर देता हूँ एप्पल, मैंगो, है ना, और इस तरह ऑरेंज। लेट अस सपोज मैं, हम इस लिस्ट को नंबरिंग देना चाहते हैं, तो इसको मैं सेलेक्ट करके इसको ऊपर से बुलेट्स भी दे सकता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड अनऑर्डर्ड बुलेट्स। किसी भी सीक्वेंस में इसको अरेंज किया जा सकता है, या 1 2 3 4 ABCD करके भी हम इसको बुलेट्स दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एडवांस में थोड़ा बुलेट्स सीखने हो तो मैं इसके लिए अलग सीरीज़ बना दूंगा जिसमें हम एडवांस में सीखेंगे कि बुलेट्स में और कैसे किया जा सकता है। द नेक्स्ट वन इज़ हेडर्स एंड फुटर्स। हेडर एंड फुटर टेबल आपके पेज का वो एरिया रहता है जो कॉमन एरिया रहता है, जिसमें आप जो भी डाटा रखेंगे वो लगभग हर पेज पर अपीयर होगा जो उस सेक्शन को बिलोंग करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास ये पेज है तो इसका भी अपना एक हेडर एंड फुटर होता है। इसको लगाने के लिए आप इंसर्ट में भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं हेडर एंड फुटर, या आप अपने पेज पर जो ऊपर खाली रीजन दिख रहा है वहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये इसका हेडर खुल जाएगा, साइमल्टेनियस इसका फुटर भी खुल जाएगा। तो जो भी मैं हेडर में टाइप करूँगा वो इसके नीचे आने वाले सभी पेजेस में दिखेगा। फॉर एग्जांपल, हम टाइटल ऑफ द बुक कभी कभार देखते हैं अपनी बुक्स में, तो वो सभी पेजेस पे वैसा का वैसा अपीयर होना शुरू हो जाता है। इसी में हम नीचे पेज नंबर भी लगा सकते हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा पेज नंबर, बॉटम ऑफ द पेज में लगाएंगे तो बिल्कुल नीचे लगेगा, पेज मार्जिन्स में लगाएंगे तो जहाँ आपको मार्जिनल एरिया होता है, जहाँ पे आप टाइप नहीं कर सकते डाटा, इनको मार्जिनल एरियाज कहा जाता है, तो आप वहाँ पे भी पेज नंबर लगा सकते हैं। इनका बेनिफिट ये होगा कि जब हम नए पेज में मूव करेंगे तो यू कैन सी ये चीज़ें अपने आप ही कॉमनली सभी पेजेस पे आती जाएंगी। द नेक्स्ट वन इज़ क्रिएशन ऑफ टेबल्स। अगर हम करना चाहते हैं टेबल इंसर्ट, राइट, डाटा हम रखना चाहते हैं टेबल्स फॉर्मेट में, तो हम टेबल भी अपने शीट में ऐड कर सकते हैं। तो उस केस के लिए हम इंसर्ट पे जा सकते हैं, वहाँ पे टेबल ऑप्शन मिलता है, एक बना बनाया ग्रिड भी मिलता है, हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको टेबल्स की अच्छी खासी नॉलेज है, रो कॉलम्स थी, तो आप इंसर्ट टेबल में जाके खुद रोज एंड कॉलम्स भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 5 columns 2 rows, और यहाँ पर फिक्स कॉलम विड्थ है, यानी कि जो विड्थ है वो मैं खुद असाइन कर सकता हूँ कितनी रखना चाहता हूँ। लेट सपोज मैं 1 रख देता हूँ, तो हमें ये पता नहीं चलता कि 1 क्या है, तो 1 हमारा रूलर के अकॉर्डिंग होता है, तो 1 इतना स्पेस होता है, ये 1 1 का डिफरेंस है। सो व्हेन आई क्लिक ऑन ओके, सो यू कैन सी इट इज़ अ डिफरेंस ऑफ 1 एंड 1, सो टेबल हमारा 1 1 के गैप पर बनेगा। द नेक्स्ट वन इज़, अगर हम इंसर्ट करते हैं टेबल के अंदर, और हम नेक्स्ट करते हैं इंसर्ट टेबल, और हम इस पर लगाते हैं ऑटो फिट टू कंटेंट्स, तो जितना डाटा टेबल में होगा उतना साइज़ लेगा। सो लेट सपोज ओके, अभी कोई डाटा नहीं है तो खाली है, तो उतना साइज़ है, जैसे जैसे डाटा भरता जाएगा टेबल उतना साइज़ लेता जाएगा। द नेक्स्ट वन इज़, अगर हमारे पास नेक्स्ट जो आता है दैट इज़ इंसर्ट टेबल, उसमें हम कहते हैं ऑटो फिट टू विंडो। विंडो यानी कि ये जितना स्पेस है, या इस रूलर पॉइंट से इस रूलर पॉइंट तक इतना स्पेस ही आपका आपका टेबल लेगा, वो उसने उसको टोटल कैलकुलेट किया कितना था और इक्वल पोर्शन में सभी कॉलम में बांट दिया, तो ये विंडो के जितना स्पेस ले गया, राइट, समझ गए। द नेक्स्ट वन इज़ इंसर्टिंग पिक्चर्स एंड ऑब्जेक्ट्स। हम अपने वर्ड में पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए हम इंसर्ट पे जा सकते हैं, हम क्लिक कर सकते हैं पिक्चर्स पे, और सिंपली हम कहीं से भी पिक्चर्स मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव दिस पिक, आई कैन ऐड दिस वन, आई कैन सिंपली क्लिक ऑन दिस एंड आई कैन क्रॉप दिस पिक्चर ऑल्सो, सो यू कैन क्लिक ऑन क्रॉप, तो आप इसको कॉर्नर से जितनी चाहो पिक्चर उतनी रख सकते हैं, और दोबारा क्रॉप करेंगे तो हमारे पास उतना ही पिक्चर बाकी रह जाएगा। ये टेबल में इंसर्ट होगी इसलिए आपको इस तरह दिख रहा है, राइट। द नेक्स्ट वन इज़ प्रीव्यू फैसिलिटी, यानी कि आप अपने पेज को जब प्रिंट करते हैं, फाइनल प्रिंटिंग देने वाले हैं, तो आप इसका प्रीव्यू ले सकते हैं कि पेज पे ये कैसा अपीयर होगा। उसके लिए हम कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो हमें प्रीव्यू दिखेगा कि हमारा ऐसा पेज प्रिंट आउट आने वाला है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने पेज के सेटअप्स चेंज कर सकते हैं।
उसके बाद आता है मेल मर्ज फैसिलिटी। मेल मर्ज फैसिलिटी हम वर्ड में यूज़ करते हैं जब हम मल्टीपल पर्सन्स को एट ए टाइम ईमेल या डॉक्यूमेंटेशन बनाना चाहते हैं। लेटर लिखने वाले हैं हैप्पी न्यू ईयर 100 पर्सन को, तो वो कैसे हम लिखेंगे इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें एडवांस मैक्रोज के बारे में, मेल मर्ज के बारे में डिस्कस करूंगा। द नेक्स्ट इज़ अदर फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड, जो पेपर साइज हम चेंज कर सकते हैं एंड ऑल। एडवांटेजेस ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग में आता है क्वालिटी, यानी कि क्वालिटी क्या हुआ कि हमारे जो पेजेस हैं वो एरर फ्री बनते हैं बिकॉज इसमें स्पेल चेक लगा हुआ है। स्टोरेज, यानी कि हम अपने डाटा में जितने मर्जी चेंजेस करके जितनी बार मर्जी सेव कर सकते हैं, छोटे छोटे चेंजेस करके भी हम उसको सेव कर सकते हैं, मल्टीपल स्टोरेज कर सकते हैं। टाइम सेविंग है, जितनी मर्जी कॉपीज हम डॉक्यूमेंट की बना सकते हैं रीटाइप करके। उसके बाद हमारा रीटाइपिंग नहीं करनी पड़ेगी हमें, लेट अस सपोज एक कॉपी मैंने सेव की, दोबारा मैं उसको एडिट करके उसमें और चेंजेस कर सकता हूँ। सिक्योरिटी, हम पासवर्ड लगा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। डायनेमिक एक्सचेंज ऑफ डाटा, यानी कि हम इसके अंदर इमेजेस, शेप्स, ये सब इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द एडवांटेजेस एंड फीचर्स ऑफ वर्ड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब का बटन हिट करें। थैंक यू वेरी मच।